हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आपको क्लास सेवन के सब्जेक्ट मैथमेटिक्स टॉपिक है सिंपल इक्वेशंस पार्ट नंबर थर्ड में आपको बताएंगे। पार्ट नंबर थर्ड में क्या है क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर वन है एग्जाम्पल आपका Give first the step you will be use to separate the variable and then तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा v = 2
और 6 × 12 = 122 दैट इज आंसर। ये हमारा आंसर होगा, ये हमारा भी पार्ट हमने सॉल्व कर लिया है। इसी प्रकार पार्ट नंबर सी होते ही नेक्स्ट पार्ट हम सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर सी, सी क्या कह रहा है, 4x = 256। अब इसमें हम यहाँ 4 से डिवाइड डिवाइड होगा, इस 4 का डिवाइड कर यहाँ मल्टीप्लाई हो जाता है, डिवाइड कर सकते हैं। अब हमें डिवाइड ही करना है और इसको किस प्रकार डिवाइड करना है, डिवाइड बहुत सा है, यहाँ 4 का मल्टीप्लाई यहाँ 4 किस डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड बाय 4, क्योंकि कह रहा है कि गिव गिव फर्स्ट द स्टेप, इसको फर्स्ट स्टेप से सॉल्व करना है। यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल, उसकी जो सेपरेट वेरिएबल होगी वो एंड देन सॉल्व द इक्वेशन, वही उसका तब क्या कहलाएगा, इक्वेशंस कहलाएगा। हमें पार्ट नंबर ए हमने सॉल्व कर लिया, बी अब इस प्रकार पार्ट नंबर सी को डिवाइड करेंगे तो 4x = 256 डिवाइड बहुत साइड हो, इसमें 4 से हम डिवाइड करें तो 4x / 4 = 256/4, इस 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यह हो जाए x = 4 से डिवाइड कीजिए, 4 6 = 24 और यह हो जाए 1 16, तो 4 × 4 = 16 x = 64, यह आपका आंसर होगा। पार्ट नंबर डी, डी पार्ट को सॉल्व करेंगे, यहां दिया है 8y = 64, अब यहां पर 8 से इधर डिवाइड होगा, यहां के वो डिवाइड बोथ साइड, कितने से डिवाइड करें हम, 8 से डिवाइड करें, इसका 64/8, 8 से कैंसिल, y = 8 का 64 में डिवाइड करेंगे तो 8 की वैल्यू आ जाएगा, दैट इज आंसर होगा, यही हमारा आंसर कहलाएगा, यही हमारा सॉल्व होगा। देखिए हमने इसी पार्ट सॉल्व किया, सेम इसी प्रकार है, 4x = दिया था 256 और इसमें बहुत साइड को इसमें साइड डिवाइड बहुत साइड बाय 4, 4 से हमने इसमें डिवाइड किया है तो 4x / 4 = 256/4, अब इस 4 से 4 कैंसिल होगा, क्या बचेगा, x बचेगा = इस 4 का हमने 256 में डिवाइड किया और डिवाइड आया हमारा 64, दैट इज आंसर। अगेन डी पार्ट को देखिए, 8y = 64 डिवाइड बोथ साइड 8, क्योंकि यहां 8 से मल्टीप्लाई हुआ है तो यहां पर 8 से डिवाइड करेंगे तो 8y / 8 = 64/8, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, यहां जाएगा y = 8 से 8 में डिवाइड किया 8 पर 8 आएगा, यही आपका आंसर होगा। पार्ट नंबर ई को सॉल्व करेंगे, पार्ट नंबर ई क्या है, ई पार्ट देख लीजिए, z/3 = 50/4, यहाँ इसका डिवाइड हुआ है, यहाँ इसमें मल्टीप्लाई होगा तो हमें इसमें मल्टीप्लाई करना होगा, तो बहुत मल्टीप्लाई बहुत साइड, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करें 3 से, तो z/3 × 3 इसमें 3 से 3 कैंसिल होगा तो इसमें क्या होगा, z = 45/4, दैट इज आंसर, यही आपका आंसर कहलाएगा।
देखिए हमने आपको ये समझा दिया कि जेड का सॉल्व करेंगे, जेड वाई थ्री इक्वल टू 50 50 अपॉन 4, तो ये होगा मल्टीप्लाई बॉस साइड 3। इसमें दो बॉस साइड में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि यहाँ डिवाइड 3 है, जब डिवाइड 3 है तो यहाँ मल्टीप्लाई क्या होगा 3 होगा, जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो जेड वाई थ्री मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 50 अपॉन 4 मल्टीप्लाई 3। जब इसका आपने मल्टीप्लाई किया तो 3 से 3 कैंसिल होगा, क्या बचा यहां पर जेड बचेगा इक्वल टू इस 15 का 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो येगा 45/4। अब जेड इक्वल टू 45/4 दैट इज आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट देखिएगा, पार्ट नंबर एफ, हमने ई पार्ट सॉल्व कर दिए हैं, पार्ट नंबर एफ को सॉल्व करेंगे इस प्रकार से। ये आपका फर्स्ट स्टेप सॉल्यूशन कहलाएगा, फर्स्ट स्टेप सॉल्यूशन। पार्ट नंबर एफ, पार्ट नंबर एफ क्या है, ई अपॉन 5 इक्वल टू 17/15 यही तो है। अब इसको हमें यहां पर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, जब ये की वैल्यू आएगी हमारे पास, इसका इसमें मल्टीप्लाई करें, इसका इसमें डिवाइड करें, यही तो होगा, या फिर इसका इसे नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर दें। तो इसलिए क्या करेंगे हम इसमें क्वेश्चन नंबर एफ है, आप इस एफ में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है और साइड कितने का, मल्टीप्लाई बोथ साइड, मल्टीप्लाई बोथ साइड कितने का करना है, मल्टीप्लाई 5, हमें 5 का मल्टीप्लाई करना है। अब कैसे करना है, देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ए अपॉन 5 मल्टीप्लाई 5 हो गया, इक्वल टू 17/5/15। इस 5 से 5 कैंसिल होगा, यहाँ 5 से ये 3 बार कैंसिल होगा, तो यहाँ क्या बचा, ए इक्वल टू 17, दैट इज आंसर। यही तो हमारे पास बचा, यही तो बचा, और यहाँ पर अपॉन 3, क्योंकि ये आपका 3 भी तो बचा है, 5 3 15, ये 17/3 ये आपका फर्स्ट स्टेप सॉल्व हुआ है। पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन इक्वेशंस दिए हैं हमें एंड चेक आल्सो क्या करना है और चेक भी करना है कि ये हमारा इक्वेशंस है। इक्वेशंस दिया है हमारे 10b+10 इज इक्वल टू 100, क्या दिया है, फर्स्ट पार्ट दिया है, इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे 10b+10 = 100, ये 10 को उधर भेज दिया तो 90 बचा, इसलिए क्या करेंगे इसमें घटाएंगे सबट्रैक्ट करेंगे, सबट्रैक्ट क्या करेंगे इसमें सबट्रैक्ट करेंगे और सबट्रैक्ट करेंगे बॉस साइड
सब्जेक्ट करेंगे, क्या करेंगे इसमें बॉस शॉर्ट में करेंगे हम। और जब सब्जेक्ट बॉस शॉर्ट में किया हमने होगा 10p प्लस 10 माइनस 10 इक्वल टू 100। 10 से और इसमें यहां भी 10 माइनस होगा, 10 से 10 कैंसिल होगा। यहां जब 10p इक्वल टू 90, अब यहां p इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 अपॉन 10, 0 से 0 कैंसिल, इक्वल टू 9। यही हमारा आंसर कहलाएगा और यही हमारा दैट्स ऑल कहलाएगा। ओके देखिए इसमें नेक्स्ट पार्ट भी लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट पार्ट है 3s प्लस 12। पार्ट नंबर सेकंड 3s प्लस 12 इक्वल टू 0। अब इसको हमें सॉल्व करना है, इसे सॉल्व करेंगे 3s प्लस 12 इक्वल टू 0। इसको ले सकते हैं 3s इक्वल टू माइनस 12। अब इसको माइनस 12 ले सकते हैं, यह 3s है, सॉरी ये 3s। अब इस 3s को यह 3s नाम दे दिया हमने, क्या चल रहा है इसमें, हाँ x इक्वल टू माइनस 12 बाई 3 x इक्वल टू क्या माइनस 4 होगा, दैट इज आंसर। यही हमारा आंसर कहलाएगा x इक्वल टू माइनस 4।